पिछले 30-35 सालों में हमने शहर के लिए क्या किया है मैं समझता हूँ आप लोग सब लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? जो नहीं जानता हूँ मेरा हाथ ऊपर करने का, मतलब आप सब लोग जानते हैं। और पिछले 5 साल में जो लोग प्रतिनिधि अभी हैं उसकी किससे कहानियां आप लोग रोज सुन रहे हैं, सुनते नहीं सुनते? तो आपने वो भी देख लिया कि 5 साल में एक आदमी ने क्या किया और 35 साल में एक आदमी ने क्या किया। मैं अभी सेक्टर 8 में बता के आया हूं, लेकिन आपको भी बता देता हूं कि चुनाव क्यों लड़ रहा हूं मैं, ये चुनाव मैं क्यों लड़ रहा हूं। मैं ऑलरेडी 2 बार MLC रह चुका हूं, 3 बार कॉर्पोरेटर रहा हूं, डिप्टी मेयर रहा हूं, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष हूं। ये जानता हूं कि चुनाव जीतने पर भी कोई मंत्री बनने का मौका नहीं होगा, फिर भी काई के लिए बन चुनाव लड़ रहा हूं। आपको क्या लगता है क्यों चुनाव लड़ रहा हूं मैं? डेवलपमेंट तो कर चुका हूं और पीछे कोई किसी को पता ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, विकास हुआ नहीं है? ये शहर में भ्रष्टाचार है या नहीं है? अंकल लोग कुछ बोलते नहीं, इनको मालूम ही नहीं। ये शहर में भ्रष्टाचार है या नहीं है? अरे है या नहीं है? अन्याय है या नहीं है? आप पे हुआ है क्या अन्याय? आपके जेब से रोज पैसे निकाले जा रहे हैं, मालूम है आपको? गार्बेज टैक्स आप पे डबल लगा दिया, मालूम है आपको? आप जो हाउस टैक्स भरते हो उससे कॉरपोरेशन चलती है, मालूम है ना आपको? उसमें से करप्शन होता है 25%, ये मालूम है क्या आपको? हाँ, आप अगर 5,000 रुपये का टैक्स भरते हो उसका 25% 1,250 रुपया हुआ एक साल का, 5 साल का कितना हुआ? 6,000 रुपया। आपकी बिल्डिंग में 40 फ्लैट है, कितना हुआ? 2.5 लाख। पूरे मीरा भयंदर में 2 लाख 2.5 लाख टैक्स पेयर से कितना पैसा हुआ? ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये भ्रष्टाचार में जा रहा है। म्युनिसिपैलिटी 750 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है, कर्जे में चल रही है। 5 साल में नया पानी कुछ बड़ा नहीं है। आपका पानी 4-5 साल पहले कितना घंटा आता था? 5 साल पहले, और अभी कितना आता है? अब पानी का बिल कितना हो गया? तो कचरे का टैक्स डबल हो गया, पानी का बिल डबल हो गया। हाँ, लेकिन टैक्स तो डबल हो गया ना आपको, ऑलरेडी आप पहले टैक्स भर रहे थे फिर भी टैक्स लगा दिया है। तो ये सब पैसा आपके जेब से जा रहा है। हम चुनाव इसके लिए लड़ रहे हैं कि हम ये भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के लिए, ना कि अपने लिए। पिछले इतने सालों में 30-35 सालों में आपने कभी हमारे बारे में ये सुना है क्या कि मुजफ्फर हुसैन के ऊपर ये केस हो गया, ये रजिस्टर हो गया, ये चोरी का हो गया, चपाटी का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, मारामारी का हुआ, सुना है क्या किसी ने? आपने कभी यह सुना है मुजफ्फर हुसैन ने कोई गरीब आदमी को सताया, अमीर आदमी को सताया, गरीबों को तकलीफ दिया, कभी सुना है क्या? तो आपको यही देखना है कि आपका लोक प्रतिनिधि आपको कैसा चाहिए, वरना लोग आएंगे आपके पास और आपको दिल्ली दिखाएंगे, बोलेंगे देखो ये मोदी जी है, मोदी जी को देख के आपको वोट करना है। करेंगे क्या आप लोग? ये विधानसभा का चुनाव है, आपके शहर के लोक प्रतिनिधि का चुनाव है, ना कि लोकसभा का चुनाव है। तो आपको ये देखना है कि 35 साल में किसने क्या किया और उसके ऊपर कौन से लांछन लगे, और जिसने 5 साल सत्ता भोगी है उसके ऊपर कितने आरोप लगे। आज हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमने किया है अब उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये शहर के अंदर की सब में बड़ी कुछ मेजर समस्या है, पानी का टैक्स, पानी कचरे का टैक्स रद्द करना, टॉल टैक्स हटाना। बीजेपी सेना ने वायदा किया था 2014 में कि हम मुंबई के एंट्री पॉइंट के टॉल टैक्स हटा देंगे, हटा क्या? उसको रखने का कि हटाने का? तो इसको हटाना ये हमारा निर्धारण है। मीरा रोड से लोकल ट्रेन चालू करना है ये हमारा निर्धारण है। कितने लोग आप लोग इस बात से सहमत है कि मीरा रोड से ट्रेन चालू होनी चाहिए?
मीरा रोड से ट्रेन शुरू करना है। स्टेशन किसने बनाया, उद्घाटन किसने किया, तो ये आप लोग यहां पर 1989, 1990, 1991 से आप लोग गए, तभी दो ट्रैक ही थी कि नहीं, उसके बाद में चार ट्रैक हुआ, 9 डब्बे थी, उसके बाद में 12 डब्बे हुआ, तो ये करने को हमको 15-20-25 साल लगे। अभी कई सालों से हमारा प्रयास है कि बोरीवली से विरार तक के 6 ट्रैक होगी, वो नियोजन में है, पाइपलाइन में है, उसे पूरा कराना है और मीरा रोड लोकल चालू करना है। तो इस शहर का ट्रांसपोर्टेशन सही करना है, पानी सही करना है, गार्बेज के ऊपर जो लोगों को गार्बेज और पानी के टैक्स के नाम पे गब्बर सिंह टैक्स करके वसूल किया जा रहा है उसको सही करना है, टॉल टैक्स को हटाना है, आपके डीम्ड कन्वेंस का मसला है, मसला कुछ भी नहीं है, कांग्रेस की सरकार ने कायदा बनाया हुआ है डीम्ड कन्वेंस का, मगर रजिस्ट्रार जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ खुराफात करता है, अपना एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, ये सब करप्शन का इश्यू है। तो कन्वेंस आपको इजीली मिले, शहर में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, ये सारा काम हमको करना है, इस शहर से भ्रष्टाचार हटाना है, अन्याय को दूर करना है, इसके लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और इसलिए मुझे आप सब लोगों के साथ सहकार आशीर्वाद प्रार्थना की जरूरत है, वरना आप लोग कभी गलती से महाराष्ट्र को देखने के बदले दिल्ली देखोगे तो गलत बटन दबाओगे, क्योंकि लोकसभा के टाइम ऐसे ही हुआ, लोगों ने बोला हमसे कि साहब आज जब चुनाव लड़ेंगे तो आपके साथ रहेंगे, अभी हमको मत भूलिएगा, अभी फिर ऐसे होगा कि साहब वो सोच के तो गए थे आपका ही, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे व्हाट्सएप आ गया तो उसमें हमको मोदी जी दिख गए। अभी वो ईवीएम के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चन उस पर उठाती है, उस पर मैं भाष्य नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन जो है समझदार है और जो लोगों ने जिसको वोट किया तो उनको लगता है कि जिसको हमने किया वही पार्टी जितना की, वैसा होता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र फिर फाइनली नंबर गेम है। तो हमको पता था कि क्या चल रहा है, लोगों का दृष्टिकोण क्या था, लेकिन अभी आपको जो है विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में आपको आपके सामने दो पर्सनालिटीज है, जिसने एक आपके शहर में सब कुछ किया है और एक जिसने शहर को लूट लूट के खाया है। अब आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे आपका छपरा लगा देता हूँ, आपको फ्री डीम कर, आपका डीम कन्वेंस फ्री होने वाला है, तो बहकावे में मत जाइएगा, आपका डीम कन्वेंस फ्री ही होने वाला है और उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, पूरा साथ सहकार आपको देने वाले हैं। इसके लिए ज्यादा साहब आपका और आपके सभी सहकारी का और आपका सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सेक्टर 9 की ग्राउंड की हालत क्या है मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सेक्टर 8 की क्या हालत है, सभी शहरों के अंदर ग्राउंड्स की क्या हालत है, बोर्ड आपने सबने देखा है, मुझे गर्व है कि हमें प्लेग्राउंड मिला, शांति पार्क में जाइए बच्चों को पूछिए तो वो बताएंगे कि उनके प्लेग्राउंड का क्या हुआ, बोर्ड आपने देखा मुझे गर्व है, मेट्रो आ गई क्या मेट्रो, अरे मेट्रो आ गई कि नहीं, क्या बात करते हो, पूरे शहर में होर्डिंग मैंने देखा आप कैसा बोलते हो मेट्रो नहीं आई, पूरे शहर में मेट्रो के हो, अच्छा काम चालू हो गया ना, लेकिन भले उसमें कुछ हो कुछ भी नहीं रहा है, आप तो दिखाने के लिए बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक के लिए वो खाली रास्ता रोकने का काम किया है। आपको मालूम है कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के टाइम पे सीएम ने कहा था भाषण में मीरा रोड पे कि 2019 में मेट्रो चालू हो जाएगी, किसको मालूम है हाथ ऊपर करना कि 2019 में मेट्रो चालू हो जाएगी, और कितनों को पता है कि मैंने भाषण में उसी वक्त कहा था कि अगर 2019 में मेट्रो चालू हो गई तो मुजफ्फर हुसैन राजनीति छोड़ देगा, कितनों ने मेरी भाषण सुना था, तो इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे उनके वजह से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है कि 2019 में मेट्रो चालू नहीं हुई है, क्योंकि होता नहीं है ऐसे, मुंबई के अंदर आपने बोला अंकल कि मेट्रो चालू हो गई, उसको 2006 में उसका नियोजन किया गया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिल करके 28,000 करोड़ रुपए का लोन लाया, मनमोहन सिंह साहब ने शुरू किया, तब जाके 10 साल के बाद वो चालू हुई, दहीसर तक के जो मेट्रो चल रही है, 9 फेज का जो मेट्रो का काम चलता है पूरे मेरा भाई अपना पूरे बॉम्बे और एमएमआर रीजन में, सब उस टाइप का नियोजन किया है, ये हम लोगों ने मंजूरी कराया था विलासराव के टाइम पे, ये सरकार ने रद्द कर दिया, हमने जब हस्ताक्षर अभियान चालू किया तब इन्होंने आके यहाँ पे जाहिर भाषण किया
और लोगों को बेवकूफ बना के चले गए और लोग बेवकूफ बन गए। बड़ी बात यह है कि लोग बेवकूफ बन गए, लोग जरा भी दिमाग से सोचते नहीं है कि 2 साल के अंदर कैसे हो सकता है। चल आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, उसका रेवेन्यू देखना पड़ता है कि वो फिजिबल होगा नहीं होगा। अब ये 6,000 करोड़ रुपया मीरा भयंदर के ऊपर खर्चा करने की बात करते हैं, लेकिन MMRDA के अंदर, दिल्ली मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन के अंदर 1 रुपये का भी बजट में प्रोविजन नहीं किया है। बात सुन रहे हैं आप लोग, 6,000 करोड़ का प्रोविजन नहीं किया है। तो कोई 2020 और 2022 में मेट्रो होने वाली नहीं है, 2020-2022 में भी मेट्रो होने वाली नहीं है। ये आप मेरे से लिख के ले लो, जितने रुपए का स्टैंप पेपर चाहिए उतने रुपए के। तो ये पानी 24 घंटा आएगा, वोट लगा था कि नहीं, वही देख करके आप लोगों ने वोट किया, इसको हरा दिया बेचारे को। अभी बोर्ड लगा कि गैस पाइपलाइन मेरे घर में चूल्हा फूकती, मतलब 20 माले के टावर में 1 करोड़ रुपए के फ्लैट में जो महिला रहती है उसका बोर्ड लगा हुआ है कि मेरे घर में गैस आ गया, मुझे गर्व है। मतलब 20 माले के टावर में जिसका 1 करोड़ का फ्लैट है वो लकड़ी का चूल्हा फूकती है क्या? लोग देख के खुश हो रहे हैं, लोग फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं मुझे गर्व है। और मेट्रो के ऊपर जिसका फोटो लगा है क्रिश्चियन भाई है, वो पार्ला में रहता है, महिलाओं को रिक्शा दिए, कितनी रिक्शा दिए? 5। और होर्डिंग कितने लगे? मतलब रिक्शा से ज्यादा कीमत तक की तो होर्डिंग लग गई शहर में। और आप रोज देखते हो, रोज 100 होर्डिंग लगती है डेली। कितना पैसा लगता है एक होर्डिंग को बताओ? कितना रुपया स्क्वायर फीट है एक होर्डिंग का? 12 रुपया। कितनी है? 12 रुपया स्क्वायर फीट है। 100 होर्डिंग है 20 बाय 40, मतलब 800 फुट हुआ। तो एक होर्डिंग का कितना हुआ? 10,000 रुपया हुआ, लगाने का अलग 5 रुपया, मतलब 15,000 रुपये की एक होर्डिंग का खर्चा आता है। म्युनिसिपैलिटी का टैक्स का पैसा अलग लगता है, तो 20,000 रुपये में एक होर्डिंग पड़ती है। और यहाँ पे शहर में 100 होर्डिंग ये भाई साहब ने अपने ताबे में ले लिया है, खुद उसमें पार्टनर है। 100 होर्डिंग पे हर 2 दिन में नए बैनर लगते हैं। पैसा कितना हुआ? कितना हुआ 2 दिन में पैसा कितना हुआ? अरे हिसाब करो यार, क्या हो गया? नहीं, 15,000 रुपया एक होर्डिंग का, 100 होर्डिंग का कितना हुआ? 15 लाख। हर 2 दिन में, 3 दिन में दूसरी होर्डिंग लगती है, 3 दिन नहीं चलो 4 दिन में दूसरी होर्डिंग लगती है, हफ्ते में 2 होर्डिंग लगती है, 30 लाख रुपया होर्डिंग में। जब से सत्ता में है तब से लेके आज तक हम पैसा गिनो कि ये होर्डिंग में पैसा जो लगा, इतना पैसा ये बीजेपी वाले के पास आया कहां से? आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे, ये पैसा आया कहां से? हमारे लोग को होर्डिंग लगाने का रहता तो प्रमोद मेरा तरफ देखता है, मैं उसकी तरफ देखता हूं कि 10,000 रुपये कहां से खर्चा करेंगे। आप देखते हो कभी कांग्रेस वाले की होर्डिंग, हमारे लोग की कभी होर्डिंग देखा है आपने? ये इतनी होर्डिंग लगी है। अभी वो नवरात्र है, लोटस उसके ऊपर मुझे गर्व है। और नवरात्र करने के लिए वहां पे एक गरीब परिवार ग्राउंड में रहता था, अलग प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहता था, 7 दिन का बच्चा था, जाकर के 7 बजे सुबह खड़े रह करके उसका घर तोड़ दिया। कितने लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा इसको? काई के लिए तो नवरात्र की, रास्ते के खड्डे कितने बढ़िया है। वो लालू प्रसाद यादव कहते थे, मालूम है ना आपको, मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी बीजेपी की MP है। लालू प्रसाद क्या बोलते थे कि बिहार का रास्ता उनके गांव की तरह हम बना देगा। समझ गए ना किसके बारे में बोलते थे वो? तो फिल्म एक्टर है, जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं बोलूंगा तो आचार नहीं था, मैं कहीं रिकॉर्ड करके भेजेगा। तो मीरा भयंदर के रस्तों का हाल क्या हो गया है? जहां देखो वहां गड्ढे ही गड्ढे, मगर वो गड्ढे भरने के लिए पैसा नहीं है म्युनिसिपैलिटी के पास, लेकिन नवरात्र के रस्ते पे 1 किलोमीटर का नया रास्ता बनाने के लिए म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा है। तो ये परिस्थिति शहर की है। आपका कचरा उठाने का काम 2014 तक NCP कांग्रेस जब सत्ता में थी तो हम लोग 20 से 25 करोड़ रुपए का टेंडर निकालते थे, 450 मेट्रिक टन रोज का खर्चा उठता था। आज 550 मेट्रिक टन कचरा उठता है और म्युनिसिपैलिटी 100 करोड़ रुपया खर्चा करती है। कितना मतलब कितना कचरा कितना बढ़ा? 25%। पैसा कितना बढ़ना चाहिए था? 25%। 25 करोड़ का 30 करोड़, मगर कितना खर्चा आ रहा है? 100 करोड़। कहाँ जा रहा है पैसा?
कहाँ जा रहा है पैसा? तो आप लोगों के पास जब भी कोई आएगा तो जरूर ये पूछेगा कि भाई टोल टैक्स क्यों नहीं हटा, डबल टैक्स क्यों लगाया, पानी का बिल, पानी नहीं आता है, पानी का बिल 7 रुपए से 14 रुपया क्यों किया, कचरे के लिए तुम 100 करोड़ रुपया क्यों खर्चा करते हो, हमारा डीम कन्वेंस का 5 साल अभी चुनाव है तभी आपको याद आ रहा है क्या, आप क्यों नहीं आए, मीरा रोड लोकल क्यों चालू नहीं हुई, मीरा रोड स्टेशन का डेवलपमेंट क्यों अच्छा नहीं हुआ, भयंदर लोकल क्यों नहीं बढ़ी, भयंदर से और ट्रेन क्यों नहीं बढ़ी, म्यूनसिपैलिटी की जो बसेस चलती थी 2014 तक 50 बस चलती थी अभी 12 या 15 बस चलती है खाली, वो भी उसकी बुरी हालत है, बसेस क्यों नहीं आई, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आपने बंद करके रेडी हो गया उसको चालू क्यों नहीं किया? तो ये आपके पास 365 सवाल है। हमने हॉस्पिटल बनाया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, मालूम है कि नहीं आपको? मैंने अपने फंड में से वहां पे डायलिसिस मशीन बिठाई, 7 मशीन, 5 साल में क्या किया इन लोगों ने वहां पे बताओ मुझे, कोई इंप्रूवमेंट है ना? वो भी मैं रेगुलर जाता हूं अभी भी तो डायलिसिस मशीन चल रही है ना, तो वो भी उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खुद देने को तैयार नहीं। हमने लाइब्रेरी बनाया था, लाइब्रेरी तो बच्चों की लाइब्रेरी 5 से 10 हजार फुट नीचे का बंद कर दिया और उसको म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस बना। अब बच्चों का एजुकेशन जरूरी था क्या म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस, जबकि म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस ऑलरेडी था रसा सेक्टर के बाजू में 10 हजार फुट का, उसको बंद किया और लाइब्रेरी बंद करके म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस चालू किया। क्यों मालूम है? वहां पे 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर बना रहे। कितने रुपए का? आप समझ लो कि जो इंसान को शहर के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, बच्चों के भविष्य से लेने देना नहीं, स्मशान, कब्रस्तान, बरेल ग्राउंड, जॉगर्स पार्क, ये मैंने अपने पर्सनल पैसे से बनाया था, आमदार फंड से नहीं। 2000 के अंदर मैंने उस टाइम पे 6 करोड़ रुपए अपना पर्सनल पैसा लगाया था, धमके की चोट पे बोलता हूँ, जाहिर रूप से बोलता हूँ, और 20 साल तक उसको संभाला। अभी मेजोरिटी में आ गया तो हमको उठा करके मेंटेनेंस मेरे से ले लिया स्मशान का, ये लोग करते क्या हालत है उधर का मुझे बताने की जरूरत है? जॉगर्स पार्क के अंदर परसों मैं गया था वॉकिंग के लिए, लोग ने मुझे बुलाया था, तो बीच में जो चलने का ट्रैक है उसमें खोद करके बीच में स्टैचू खड़ा कर रहे, मतलब कुछ भी करने का, खाली पैसा मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट निकलना चाहिए, टेंडर निकलना चाहिए, ये उसका दृष्टिकोण है, ये लोगों का दृष्टिकोण है। ये अगर कथा मैं आपको सुनाने को बैठूंगा तो भागवत सप्ताह से ज्यादा लंबी कथा हो जाएगी, महाभारत से ज्यादा लंबी कथा हो जाएगी, एक एक किस्से कहानियां इतनी है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, विनंती करूंगा कि हम फेसबुक के ऊपर सब कुछ डालते हैं, सब हकीकतें लिखते हैं, हमारा मैनिफेस्टो भी है, सोशल मीडिया को आप एक्सेस करो, देखो, आपको बहुत सारी बातें पता लगेगी। आपके इस शहर में से भ्रष्टाचार और अन्याय को दूर करना है, आपको मुझे जिताना है, कांग्रेस के सिंबल पे हाथ के पंजे के ऊपर बटन दबा के 21 तारीख को मुझे विजय बनाइए। लोकसभा के चुनाव के बाद में ऐसा प्रचार माध्यम से फैलाया जाता था कि मुजफ्फर हुसैन चुनाव नहीं लड़ेगा, क्यों मालूम है? बोला सेना बीजेपी को 1,34,000 वोट मिला है, कांग्रेस को 64,000 मिला है, मतलब 64 मिला है 64 कवर करने का, तो इसके लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन चुनाव कोई लोग इसलिए लड़ते हैं कि उसको सत्ता में जाना है, अपनी सत्ता और संपत्ति को संभालना है। मुझे चुनाव क्यों लड़ना है? तो जनता के अंदर के भ्रष्टाचार और अन्याय को हटाना है। इसलिए मुझे इस बात से कोई डर नहीं कि 1 लाख की मार्जिन थी कि 50,000 की मार्जिन थी, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ और जानता हूँ, और विश्वास है कि आप लोगों ने हमारा काम देखा है, परिवार का काम देखा है, हमारी ईमानदारी लोगों के साथ की देखी है, आप फैसला करने में चुकोगे नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है, और ये विश्वास आप लोगों की वजह से। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय हिंद।